मेरी जेब में पैसा है और मौसम है रोमानी, बस स्टॉप पे ब्यूटी क्वीन लगती है हिंदुस्तानी। फिर भी मिस्टर, क्या पूरा गाना गाओगे? मैडम आप चांस देंगी तो पूरा भी गाऊंगा। ये बस स्टैंड है, चुपचाप खड़े रहिए। एक्सक्यूज मी मैडम, आपके पास माचिस होगी? तुम आदमी हो या घन चक्कर? क्या मैं तुम्हें सिगरेट पीने वाली चालू लड़की दिखती हूँ? अरे मैडम आप खामखा नाराज हो गई। देखिए सिगरेट पीना आजकल फैशन में दाखिल हो गया, अक्सर लड़कियों को मैंने सिगरेट पीते हुए देखा। अब आप सोचिए कल को आपकी शादी हो जाएगी, आप दुल्हन बनकर डोली में अपने ससुराल जाएंगी, भगवान की मूर्ति के सामने दिया जलाने के लिए माचिस इस्तेमाल तो करेंगी, तो मैंने सोचा शायद आपने एडवांस बुकिंग में ही माचिस रखी होगी। नहीं नहीं माचिस। वाह क्या सोच है, एक बात बोलूं? बोलिए। ये तो आप जानती ही हैं कि आप एक दिन मरने वाले हैं। मैडम मैं क्या, एक दिन तो सभी को मरना। तो क्या आप अभी से ही अपनी अर्थी का सामान खरीद कर रखना पसंद करेंगे? की मस्त इस बुस्बु किसके मुंह लग गया यार, लड़की है कि बिजली करंट मारती है। आज सुबह जरूर किसी मनहूस की सूरत देखी होगी, अभी तक एक बकरा नहीं मिला। आंटी 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 आंटी, शिकार मिल गया। कहाँ? बस स्टैंड पर, उसके पास 2-3 हजार रुपए है, पैसे बार बार गिन रहा है। वाह क्या बात है, मैं अभी जाकर उस बकरे को प्यार से हलाल करके आती हूँ। हेलो श्याम, माय डियर हैंडसम बॉय, हाउ आर यू डार्लिंग? हैंडसम बॉय, कौन है आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। डार्लिंग मैं शांति हूँ, शास्त्री नगर में तुम्हारे बाजू वाले फ्लैट में रहती थी। बाजू वाला फ्लैट? जब से मैं शहर में आया हूँ या तो फुटपाथ पर सोया हूँ या गैरेज में, लगता है ये राम के चक्कर में श्याम को पहचान रही है। मौका अच्छा है, पीके मस्त फायदा उठा। क्या हुआ डार्लिंग, क्या सोच रही हो? याद आ गया डार्लिंग, वो आपकी आंटी क्या हुई जो मुझे रोज मिठाई खिलाती थी? आंटी? हाँ आंटी, आंटी तो गुजर गई डार्लिंग। बड़े अफसोस की बात है। अच्छा वो आपके दादाजी क्या हुए जो रोज पिछवाड़े बैठ के खांसते थे? दादाजी वो भी गुजर गए। How sad. अच्छा वो मोटा सा कुत्ता क्या हुआ जो रोज आपकी गोद में बैठता था और मेरे गाल चाटता था? वो कुत्ता भी गुजर गया। मर गया? अब दुनिया में कितनी अकेली है। सुनो जब तुम्हारे घर में सब लोग मर गए हैं तो तुम क्यों जिंदा हो, जाओ यहाँ से। डाली शांति, हम दोनों प्यार की बात कर रहे ना, वो लड़की जल रही है, खोलते पानी की तरह उबल रही है। फिर क्या हुआ जाने, हम कहीं और चल के बातें करें। पास में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ चलकर कॉफी भी पियेंगे और बातें भी करेंगे। वेरी गुड आइडिया, लेट्स गो। चलो ना डार्लिंग, मैं जब तुम्हारे पड़ोस में रहती थी तो तुम मुझ पर कितना लाइन मारते थे और तुम मुझे घास भी नहीं डालती थी। शुक्र करो तुमको पता चल गया कि मैं कितना हैंडसम बॉय। अरे क्या हुआ, पानी पियो जाने, पानी पियो। हाँ पानी पियो, बस कितना अच्छा लग रहा है, तुम मुझे पानी पिला रही हो, मेरा सर थपथपा रही हो, दिल करता है रोज तुम्हारे साथ यहाँ आऊं, खाऊं पीऊं हिचकी लेता रहूं और तुम मुझे पानी पिलाती रहो। मगर ये पॉसिबल नहीं है डार्लिंग। क्यों? क्योंकि मेरा ट्रांसफर मुंबई में हो रहा है। अरे अभी अभी तुम मेरे दिल में प्यार का गुलाब खिला है, तुम अभी से उस पर खोलता हुआ पानी डालकर ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। क्या करूं डार्लिंग, मजबूरी है। मेरे होते हुए कौन सी मजबूरी, सुनिए तुम जो भी नौकरी कर रही हो उसे छोड़ दो, पी के मस्त तुम्हें कमाल की नौकरी दिलाएगा। ठीक है मैं अभी आती हूँ। यस मैम। सुनो 10 मटन बिरयानी 10 चिकन बिरयानी 10 मटन मसाला 10 चिकन मसाला और 10 मटन सीख कबाब 10 चिकन सीख कबाब और 10 आइसक्रीम पैक करके उन बच्चों को दे देना, और बिल वहाँ जो बैठे हैं ना वो साहब उनको दे देना, वो मेरे हस्बैंड हैं। ओके मैम, थैंक यू। सर बिल लाओ। 2000 2000 वेटर
ये तुमने होटल में सब खाने वालों का बिल मेरे को क्यों दिया यार? नहीं सर, आपकी पत्नी पार्सल ले गई, ये उसका बिल है। मेरी मेरी पत्नी? तुम सबका फेवरेट आइटम है इसमें। ये दो लड़के कौन है? और आइसक्रीम भी है, बहुत मजा आएगा। हाय डार्लिंग। हाय। कोई बात नहीं, वो अम्बेसडर के पार्ट्स का क्या होगा यार? अरे अम्बेसडर के पार्ट्स को मार गोली पी के मस्त, ये सोच के लाइफ में पहले टाइम इतनी सुंदर खूबसूरत लड़की पटिया यार, लाइफ बन गई मेरी। साहब कुछ बख्शीश? बख्शीश? एक बात ध्यान से सुनो, मैं बख्शीश देके तुम लोगों की आदत नहीं बिगाड़ना चाहता। क्या आदमी है यार। पैसा तो गया, कम से कम लड़की तो मिलनी चाहिए यार। मैम आपका पार्सल। थैंक यू। वेलकम। ये खाना ले जाकर अपने साथियों को जम कर खिलाओ। थैंक यू। जाओ जाओ जल्दी जाओ, मैं बाद में मिलूंगी। सॉरी डार्लिंग, मैं कुछ खाना पैक करा रही थी। तो क्या हुआ? वो दो लड़के कौन है? वो मेरे भांजे हैं। नो प्रॉब्लम, बिल मैंने दे दिया। आपने क्यों दिया डार्लिंग? तो क्या हुआ, अब मैं कोई गैर तो नहीं रहा? अब वो तो है, क्या बताऊं डार्लिंग, मेरी सहेली की माँ बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए मैंने अपनी सोने की अंगूठी और गले की चेन बेच डाली। बिना चेन के मेरा गला कितना खाली लगता है ना। तुम्हारा गला खाली? मेरे गले में चेन? ये नहीं हो सकता, मैं बहुत बेचैन हो जाऊंगा, प्लीज। नहीं, रहने दो डार्लिंग। शांति, तुम क्या कर रही हो, तुम लेना पड़ेगा। हाँ? नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा, इसको तो मेरी तरफ से प्यार का पहला तोहफा समझो। ठीक है डार्लिंग, फिर मैं भी आज आपको एक तोहफा दूंगी। नहीं, नोची नोची नोची, अभी नहीं, रात को। सुनो, तुम एक काम करो, इसी होटल में वो कोने वाली रूम बुक कर दो, रूम नंबर 20। वो रूम बहुत लकी है मेरे लिए। और रात को तुम ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट में हाथ में एक लाल गुलाब का फूल लेकर मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगी तुमसे मिलने। ठीक है? ठीक 10 बजे तुम दरवाजा खोलोगे और मुझे बाहर पाओगे। ओके डार्लिंग, बाय। ना 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 ना, रात को। रात को 10 बजे ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट हाथ चांदनी, आज आधा घंटा सिग्नल पहले, बबली धोती वाला बाहर एंड पतलूर वाला अंदर। ओई माँ, मर गई। मर गई बाद में, पहले मेरे को ये बोल, आज धोती का आधे घंटे पहले इशारा कर कपड़े यार खान को अंदर बुला लिया। जिस्म की सुहानी महक से मैं पागल हो जाऊंगा। रंगीला तेरे को उम्र भर ऐसे जकड़ के अपनी बाहों में रखेगा, और अगर वो तेरा दिखट्टू बावला हस्बैंड यानी के पति आया तो उसको लात मार के बाहर निकालूंगा। तू देख क्या तू रोज जैसा बोलती हो वैसा बोलना। आजा आजा आजा। ये भागता किधर है? बोलो। 500 रुपया लेकर नहीं जाएगा? और तू बेवफा, जिसके साथ वफादारी करनी चाहिए उसके साथ बेवफाई, और जिसके साथ बेवफाई करनी चाहिए उसके साथ वफादारी। हाँ, आगे पान की दुकान पीछे सैया का मकान, अब समझ में आया तेरी सैया कौन है? जिस धोती को पहनकर मैं अपनी इज्जत को छुपाता हूँ, उस धोती को हिला हिला कर तूने मेरी इज्जत को लुटाया। बोलो तुम लोगों के साथ क्या सुलूक किया जाए? हमारी शादी करा दे। अबे चुप, काट के सुपारी की तरह टुकड़े कर दूंगा। माफ कर दीजिए हमें स्वामी। स्वामी माफ कर दो, अरे मैं तो तुम दोनों को साफ कर दूंगा। अबे जल्दी क्या है, अभी तो पुलिस आएगी, तेरी पिटाई होगी, नंगा करके मुंह काला करके गधे पर बिठा कर बस्ती में घुमाया जाएगा। पुलिस आएगी? आएगी। मुझे नंगा करेगी, गधे पे बैठाएगी, मुझे बावला समझता कर। ये ले।
क्या हो गया, क्या हो गया इसे? ये मर गया। चुप। स्वामी नहीं, शबाबी। आजा, 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 आजा। ये मर गया, हमारा काम कर गया। ये दोनों समझते हैं मैं मर गया, अब मैं इन दोनों को मजा चखाऊंगा। शंगू बोल मेरी जान, रंगीले जल्दी चलाना। अरे चला रहा ना, फुल स्पीड, फुल पेट्रोल। साइकिल स्टैंड पे और साइकिल पे तीन तीन सवारी, लगता है कुछ गड़बड़ है। आई गो। अबे रंगीले, अनुभव। अरे रंगीले, पहले साइकिल को स्टैंड के ऊपर से तो निकाल, तब तो चलेगी ना। और रंगीले, तू तो कितनी टाइम अंदर जा चुका है, तेरे को मालूम नहीं साइकिल पे तीन तीन सवारी बैठाना कानून के खिलाफ है। मिस्टू वो क्या इंस्पेक्टर साहब, चौथा अभी तक आया नहीं है ना। अबे ये मेरे कहने का मतलब है तीन तीन सवारी बिठाना मना है। और ये कौन है? अरे ये बोलो, ये कौन है और ये बोल क्यों नहीं रही है? ये एक्चुअली बेहोश है बाबा। बेहोश है? क्या क्या हुआ, क्या है ये इनका? ये रंगीला कोई लफड़ा तो नहीं है ना? अरे लफड़ा नहीं मेरे भाई, खाली प्यार है। लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अरे लेकिन ये है कौन तुम्हारी? ये मेरी सास है और ये मेरे वो है, वो पति परमेश्वर। अरे रंगीला, शादी किया और मुझे मिठाई नहीं खिलाई? मिठाई चाहिए? तू घर से बाहर कब निकलता? क्यों, भाभी को मिठाई पहुँचा दूंगा ना। ठीक है, अभी हॉस्पिटल जाओ, चलो चलो जाओ जाओ चलो। हे भगवान, ऐसी बहू हर सास को दिला दो। अरे ये तो भारी बोझ भाई, तू ये बोझ कैसे संभालती थी? स्वामी वो स्वामी ओनली दिस शबाबी। आजा, 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 आजा। नहीं 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 नहीं, आज नहीं, आज तो मैं विधवा हो गई। अरे तू कहे तो मैं तेरी मांग सितारों से दोबारा भर दूं। मैं ये भोला पनवाड़ी की तरह नहीं हूँ कि तेरा हाथ कत्ते से लाल करूं, मैं तो अपने खूने दिल से तेरे होठों को लाल करूंगा मेरी जान। सच? झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मैं तेरी बीवी को लेके जाऊंगा, तू देखते रहियो। जाने दो ना रंगीला, क्यों इसे सता रहे हो? देखो अभी किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। मुसीबत का शब्द अपनी डायरी से निकाल दे मेरे बन्नो। तू खाली वो ही बोल जो मैंने तेरे को सिखाया है। क्या? आजा। मैं कैसे तुम दोनों का बजाता हूँ बाजा 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 बाजा। ठीक है मैस, तेरी का लाइफ हो गई, टेंशन आया, चार मीनार गया। या मेरा प्यार आएगा, मेरी लाइफ को मस्त बनाएगा। दस बजने में 5 सेकंड कम है। 5, 4, 3, 2, 1 मेरी चीकू। मस्त, यहाँ तो आशिकों की लाइन लगी हुई है। लगता है ये लड़की मेरे साथ इन नाकाम आशिकों को भी चूना लगा के गई है। लेकिन ये पी के मस्त आदमी है, बड़ा सख्त, नो प्रॉब्लम, निपट लेंगे।